हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय जीके स्टडी। और मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 20 जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो इसी टाइप की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, वर्ष 2014 में अपनी शैक्षिक सत्र आरंभ करने वाले उस नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए, जिसका नाम इसके निकट स्थित प्राचीन अध्याय केंद्र के नाम पर रखा गया। इसके चार ऑप्शन है, तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है पुष्पगिरी, चौथा है विक्रमशिला। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय ने 1 सितंबर 2014 को 15 छात्रों सहित, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं, अपना पहला अकादमिक सत्र शुरू किया। नवस्थापित विश्वविद्यालय नालंदा बिहार के निकट राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से एक स्नातकोत्तर एवं विशिष्ट शिक्षा में डायरेक्टरेट की उपलब्धि प्रदान करने वाला शिक्षण संस्थान है। क्वेश्चन नंबर टू है, अंक गणितीय फलन का कौन सा चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, घटाओ, गुणा, भाग, जोड़। तो जोड़ इसका राइट आंसर है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के जमा जोड़ का निशान रेड क्रॉस का प्रतीक है। इसे 1864 में युद्ध क्षेत्र में चिकित्सा राहत दल के रूप में विशिष्ट चिन्ह की पहचान मिली। यह चिन्ह प्लस के निशान के जैसा दिखता है। रेड क्रॉस युद्ध के दौरान चिकित्सक कर्मचारी के पहचान को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया था? चार ऑप्शन है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू, लॉर्ड कैनिन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का हस्तांतरण ब्रिटानी सत्ता को भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत हुई, तब तक के जनरल जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वांचुक राजवंश किस देश का शासक है? तो इसका जो चार ऑप्शन है वो है ब्रूनी, इंडोनेशिया, म्यांमार और भूटान। तो भूटान विल बी द राइट आंसर। वांगचुक वंश भूटान का शाही वंश है। इस वंश के राजाओं ने भूटान के एकीकरण 1907 होने तक भूटान पर शासन किया। खेसर नामगेल वांगचुक, जो कि भूटान के पांचवें एवं वर्तमान शासक हैं, इसी वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री ने किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी अपनी सेवाएं नहीं दी? चार ऑप्शन है, रामविलास पासवान, डीवी सदानंद गौंडा, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वन, रामविलास पासवान। 8 बार लोकसभा सदस्य एवं पूर्ण राज्यसभा सदस्य रह चुके रामविलास पासवान लोक जन शक्ति पार्टी के प्रमुख हैं। अपने राजनैतिक जीवन में वे केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना तकनीक एवं संचार मंत्री, खाद्यान्न रसायन एवं उर्वरक, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं जन वितरण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? चार ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा तीन, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? चार ऑप्शन है, लोहा, अभ्रक, कोयला, तांबा। और इसका
जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अभ्रक। भारत में विश्व का सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज अभ्रक है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है, विष्णु शर्मा, कालिदास, तुलसीदास, प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार हैं कौन है? चार ऑप्शन है, बंकिम चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधरी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार हैं। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? चार ऑप्शन है, फारसी, हिंदी, उर्दू, अरबी। और इसका राइट आंसर रहेगा मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। फारसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर बनने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, स्वर्ण मंदिर बनने के लिए भूमि जो है अकबर ने उपलब्ध कराई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल का अंतिम महीना क्या होता है? फागुन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फागुन। हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल का अंतिम महीना फागुन का होता है, जबकि प्रथम महीना चैत्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? फेफड़ा, हृदय, कान, आंख। इसका राइट आंसर है आंख, आंख की बीमारी होती है ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? चार ऑप्शन है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पोलो। और फुटबॉल जो है ये संतोष ट्रॉफी से संबंधित है, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, वैसे चार ऑप्शन बता देता हूँ मैं, 1869, 1889, 1907, 1885। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 1889 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? चार ऑप्शन है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया, महानदी जो इसका है, इस राइट आंसर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? बेंगलोर, श्री हरिकोटा, कोयम बूटर, तिरुवनंतपुरम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSSC तिरुवनंतपुरम में है, जिसकी विशेषता है रॉकेट प्रमोचक प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? तो इसके चार ऑप्शन है, लाहौर, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। ऑप्शन दोबारा से रिपीट करता हूं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? चार ऑप्शन अगेन, लाहौर, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3, कोलकाता। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो चार ऑप्शन है, भूकंप की तीव्रता, आंधी का वेग, मौसम की आर्द्रता, तापमान। चार ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा, सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? चार ऑप्शन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। और इसका राइट आंसर रहेगा ब्यूटेन गैस जो है वो इसमें रहती है, LPG में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, मुंह। राइट आंसर रहेगा, पाचन जो रहता है भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।